ये बहुत ही अच्छा है। मैंने तो कल सुबह ही अनंतनाग में जब मीटिंग थी तो उसी में कहा था कि मैं तवक्का करता हूँ कि नॉर्थ कश्मीर में 60-70% वोटिंग हो जाए, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि अब साउथ कश्मीर और साउथ कश्मीर में बिल्खा खसूस 70-80% पोलिंग हो जाए, चाहे कोई भी उम्मीदवार जीत जाए, लेकिन उसमें लोगों को भी तसल्ली होगी और जो भी उम्मीदवार जीत के आएगा जिस पार्टी का, उसको भी तसल्ली होगी और उसको भी जिम्मेदारी होगी कि मुझे लोगों ने चुना है। वरना ये 5-10% पे ना तो चुने हुए नुमाइंदे खुश होते हैं और वो कहते हैं हमें कौन सा वोट मिला है, ये तो अपनी ही पार्टी का इतना वोट था, और लोगों को भी तसल्ली नहीं होती है कि हमने वोटिंग नहीं दिया है तो मांगें किस मुँह से। तो ज़्यादा वोटिंग होगी तो लोगों को भी ये हक से मांग सकते हैं कि हमने तुम्हें जिताया है, और जीता हुआ कैंडिडेट भी ये फ़र्ज समझता है कि उसे अपने फ़र्ज को निभाना हो। मैं जानता हूँ कि कौन पार्टी जीतेगी क्योंकि स्टेट वाइज मेरी उंगलियों पर हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता है कि इलेक्शन से पहले हम, क्योंकि मैं न्यूट्रल पार्टी हूँ, मैं ना राइट साइड हूँ, मैं लेफ्ट साइड हूँ, मैं सेंटर में हूँ, तो अच्छा नहीं लगता कि मुझे इलेक्शन से पहले कुछ कहूँ। लेकिन मैं स्टेट वाइज एक आध सीट का फ़र्क हो सकता है ये गिन के कह सकता हूँ केरला से और कश्मीर तक किस पार्टी को कितने वोट आएंगे। फिर भी NDA जो दावा 400 पार इस बार जाएंगे वो तो मुश्किल है।